नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जिस देश में जाने के लिए किसी भी टाइप के वर्क परमिट की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपको अगर इस कंट्री में जाकर काम करना है, रहना है, तो ना कोई वीजा लेना है, ना कोई वर्क परमिट लेना है। आप बहुत आसानी से इस कंट्री में जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस कंट्री के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिस कंट्री में आपको $3,000 तक की महीने की सैलरी मिल सकती है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप इस कंट्री के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंट्री बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर आपको हर टाइप की सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी, हर टाइप की जॉब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहां पर लोग रहते भी हैं, अपनी जिंदगी बसर भी करते हैं, और यहां पर लोगों को नौकरियां भी दी जाती है दोस्तों। तो आपको भी यहां पर नौकरी मिल सकती है अपने लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको इस कंट्री के बारे में पता नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 95% लोगों को ये इस कंट्री के बारे में नहीं पता होगा। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूं दोस्तों, इस कंट्री का नाम है स्वालबर्ड। स्वालबर्ड एक ऐसी कंट्री है दोस्तों, जिस कंट्री में जाने के लिए आपको किसी भी टाइप के वीजा की जरूरत नहीं है। ये जो है नॉर्वे से थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे कंट्री सिचुएटेड है दोस्तों, यानी कि नॉर्वे जो कंट्री है यूरोप की, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आइलैंड है छोटा सा, जो कि बर्फ से एकदम ढका हुआ है। मोस्टली यहाँ जो लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोग बहुत सारे रहते भी हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके लिए ये मशहूर है, जैसे कि दुनिया का इकलौता सीड वॉल्ट जो है यहाँ पर है दोस्तों। सीड वॉल्ट क्या है, अब मैं बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि दुनिया भर में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, हर पेड़ पौधे की बीज को जो है यहाँ पर संजो के रखा गया है, कि सपोज नियर बाई फ्यूचर में या फिर आने वाले समय में कभी भी किसी भी तरीके की ऐसी घटना हो जाती है, या फिर ऐसा कोई वॉर वगैरह हो जाता है जिससे कि तबाही मच सकती है, बहुत हद तक की तबाही मच सकती है, तो यहाँ पर जो सीड्स हैं उन सीड्स से दोबारा से जो है दुनिया को मतलब उजागर किया जा सके और पेड़ पौधे लगाए जा सके दोस्तों, प्रकृति वापस लाई जा सके। तो यहाँ पर एक बढ़िया सीड वॉल्ट है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा जाते हैं दोस्तों नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, जिसे ऑरोरा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही पोलर बियर वगैरह देखने के लिए जाते हैं लोग, यहां पर छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप वहां जाकर के कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्वालबर्ड में अगर जॉब्स की बात करी जाए तो जॉब्स भी आपको हर टाइप की मिलेंगी। क्लीनर की जॉब्स आपको मिलेंगी, हाउसकीपर्स की जॉब आपको मिलेंगी दोस्तों, आप बारटेंडर्स की जॉब कर सकते हैं, आप जो है हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं दोस्तों, नर्सिंग वगैरह की काम कर सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर सकते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कर सकते हैं, हर टाइप की आप नौकरी कर सकते हैं। देख सकते, बोला जाए बेसिकली तो एक डेवलप्ड कंट्री है। आप थोड़ा थोड़ा ऊपर नेट पर सर्च करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं होगा, सिर्फ बर्फ है बर्फ है बर्फ है। नहीं, बर्फ होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं दोस्तों। थोड़ी अनोखी कंट्री है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर 4 महीने लगातार दिन रहता है तो 4 महीने लगातार रात रहती है दोस्तों। यानी कि जब दिन होता है तो भैया सूरज ढलता ही नहीं है 4 महीने के लिए, और फिर जब ढलता है तो 4 महीने के लिए उगता ही नहीं है। इस तरीके की कंट्री है यहाँ पर, सोच रहे हो। तो ऐसी कंट्री में अगर आपको जाना है अपने मतलब होम टाउन में, या फिर होम कंट्री में रह करके बोर हो चुके हो, नई नौकरी करनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो स्वालबर्ड जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नौकरियां बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप नौकरियों के लिए कैसे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन जाना है आपको, गूगल पे आप जा सकते हैं, इंडीड या लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही आप फेसबुक ग्रुप्स की मदद से जो है स्वालबर्ड में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जॉब्स मिल जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या करना होगा, मैं बताता हूँ आपको, पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि अगर आप स्वालबर्ड पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्वालबर्ड में अपने लिए जॉब्स ढूंढनी है। जॉब्स ढूंढने के बाद जो है दोस्तों आपको नॉर्वे तक का ट्रांजिट वीजा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको शेंगेन वीज़ा नहीं लेना है, ना ही कोई स्वालबर्ड के लिए वीज़ा लेना है दोस्तों, लेकिन स्वालबर्ड जाने के लिए जो है आपको नॉर्वे पहुँचना पड़ेगा, और उसके बाद फेरी वगैरह से जाकर के स्वालबर्ड में एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया नॉर्वे से नॉर्दर्न साइड में है और कोई रोड कनेक्टेड नहीं है, कोई फ्लाइट वगैरह तो जाती होगी आई गेस, मेरे को पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली फेरी वगैरह जाती हैं दोस्तों, समुद्री रास्ते से जो है स्वालबर्ड पहुँचा जाता है। तो आपको जो है नॉर्वे का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है दोस्तों। वो ट्रांजिट वीज़ा लेकर नॉर्वे पहुंच करके वहां से आप ट्रांजिट कर सकते हैं स्वालबर्ड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वालबर्ड पहुंच सकते हैं और वहां पर इंडेफिनेटली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और अपने परिवार को भी लेके जा सकते हैं दोस्तों। परिवार के पढ़ाई से लेकर के परिवार के हॉस्पिटल केयर वगैरह सब कुछ, हेल्थ केयर वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी सुविधाएं आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है।
बहुत सारे लोगों को जो है स्वालबर्ड के बारे में पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार स्वालबर्ड के बारे में बता दिया जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर यूरोप में नौकरी नहीं मिल पा रही है, सर यहाँ नहीं नौकरी मिल पा रही है, कोई ऐसी कंट्री बताओ जहाँ पर बिना ज़्यादा झंझट के जाया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि भैया स्वालबर्ड के बारे में बताया जाए लोगों को। स्वालबर्ड अगर आप चुनते हैं ना तो आपको बहुत आसानी से जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एजेंट को देने के लिए पैसा नहीं है तो भैया मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं हो सकता है जॉब ढूंढने में। अब मैं जिस मतलब तरीके के बारे में बता रहा हूँ वो तरीका ऑलमोस्ट 1000 लोग 1500 लोग देखेंगे और वो ट्राई करेंगे, तो कंपटीशन भी थोड़ा सा हो सकता है कि लगे आप लोगों को, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना है, छोड़ना नहीं है। अगर एक बार मौका मिल जाए तो आपको जो है अच्छी सैलरी वाली कंट्री में जाने का मौका मिल सकता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का PR वगैरह नहीं मिलेगा, PR अलाउ नहीं करती है शायद ये कंट्री, लेकिन हाँ आपको वहाँ पर रहने के लिए कोई मनाही नहीं है और कोई वीज़ा भी नहीं चाहिए होगा। आई होप जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ सौरभ और मैं आपको इसी तरीके की जानकारी देता रहूंगा, इसीलिए चैनल फिर से बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहीं हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।